ये है जावा। ये देखो गाइस कितने ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये चाइनीज संतरे हैं छोटे छोटे, ये देखो। ये वाला मिल जाएगा आपको ब्लूबेरी में। ये पाइनएप्पल है, ये पाइनएप्पल है, ये ब्लूबेरी है, बाकी Hey guys, good morning, welcome back to our new vlog video। यार आज का जो व्लॉग है वो हमारा कॉलेज एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। तो अभी कल ही हुआ एग्ज़ाम, तो है आज 3 दिन की छुट्टी, तो फिर आज हम जा रहे हैं अपने खाला के यहाँ। और हाँ गाइज, जिस इसने भी अभी तक कल का व्लॉग नहीं देखा है यानी व्लॉग नंबर 2, तो अभी जा करके जाके देखो। और चलिए शुरू करते हैं ये वाला व्लॉग। तो गाइस मैं सोच रहा था ये वाले शूज पहनूं, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है यार, ये आगे से खराब हो रहे हैं। ये देखो इस वाले में भी, तो आज मैं पहनने वाले हूँ ये वाले शूज। ये सही है, सो गाइस मैं शूज पहन के आ गया अपने घर के पास वाले केक की शॉप पर। और यहाँ पर आकर देखा तो केक की शॉप अभी खुली रही है। फिर मैंने करा थोड़ी देर वेट और फिर मैं गया इसके अंदर। ये कितने वाले हैं? वो 200, ये 180, ये 200, ये 250, ये 250, ये 250, ये भी 250। और 300 वाले तक नहीं है? नहीं। भाई फ्लेवर क्या क्या है? ये वाला मिल जाएगा आपको ब्लूबेरी में। ये पाइनएप्पल है, ये पाइनएप्पल है, ये ब्लूबेरी है, बाकी ये सब ब्लूबेरी की बची हैं। ये तो ये चॉकलेट है, वो का साइड है। हाँ तो ये वाला सही लग रहा है। और एक ये वाला कर दो भाई आप, ये वाला कर। ये है हैप्पी बर्थडे प्रिंस। ओनली प्रिंस, मतलब सब में आएगा? हाँ प्रिंस ही आएगा भाई। अच्छा प्रिंस ही आएगा, दो मिनट बोल रहे कम का नहीं रहने दो, अब समझ गया। कैसे से आएगा? यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ अंदर एंडिंग होगी, प्रिंस ही आएगा। हाँ ठीक। और अब यहाँ से मैं केक पैक करवा के जा रहा हूँ डायरेक्ट अपने खाला के यहाँ। तो गाइस आज का दिन है संडे और आज के दिन ही लगती है भारत टैकीज पर बहुत बड़ी चीपेस्ट सेल। तो यहां से स्टार्ट है और आगे आगे देखते जाओ कहां तक ये गई है। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने खाला के घर। ये देखो ये है भाई पल्सर, यूज में बहुत कम आती है भाई। दुबई में है तो पल्सर ये खड़ी ही रहती है यहाँ पे। अभी के लिए केक को रखते हैं फ्रीज में। प्रिंस ये नहीं जा रही भाई, इसे निकालना पड़ेगा एक सेकेंड। सो
तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा दिल बना दिया है मैंने, मतलब दिल बनाने की कोशिश की है, लग तो रहा है दिल बन चुका है। और अब इसमें करते हैं थोड़े से और डेकोरेशन, यहाँ पर बनाएंगे रियल रोज का एक दिल इस टाइप से और बीच में रखेंगे केक। ये आ चुके हैं भाई रियल वाले रोज, अब इसका बनेगा दिल। तो गाइस यहाँ पर यार हवा बहुत तेज चल रही है क्योंकि मैं सबसे ऊपर हूँ और यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा खुला है, यहाँ पर ज्यादा घर नहीं है ना, ये पूरा का पूरा खुला है इसलिए हवा अच्छी चल रही है तेज। ये देखो यहाँ पर घर बन रहे हैं बहुत सारे नए और यहाँ पर प्लाटिंग भी है अभी, तो और भी घर बनेंगे अच्छे से, जब पूरा बन जाएगा तो ये भी एक सिटी बन जाएगी अच्छी सी। वैसे तो मुझे तो अभी अच्छा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये पूरा ग्रीन ग्रीन ये पूरा अच्छा लग रहा है ज़्यादा। और वह है मेन सिटी वहाँ पर दिख रही है और उसके वो दिख रही है वहाँ पर, ये है पूरी मेन सिटी उसके आगे वहाँ पे, और यहाँ पर है थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ग्रीन। और इस साइड है फैक्ट्री वगैरह, किसी चीज़ की फैक्ट्री है यहाँ पे, और इस साइड भी है कुछ। ये देखो गाइस कितने ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये चाइनीज संतरे हैं छोटे छोटे, ये देखो येलो हो रहा है हल्का, ये पके हैं अंदर लगे हुए, ये कितने सारे लगे हुए इसमें। अच्छे लग रहे हैं पूरे, सबसे अच्छा ये लग रहा है क्योंकि इसमें फल लगे ना येलो कलर के, ऑरेंज। ये देखो गाइस ये मौसम्बी है या वो है नींबू है, ये है ऑरेंज और ये है शायद नींबू, ग्रीन है अभी। यहाँ पर है धनिया के पेड़ ऑर्गेनिक धनिया, और ये अरबी के पत्ते, अरबी धनिया। और ये देखो गाइस कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, इतना छोटा सा पेड़ और इतने बड़े बड़े रोज, ये देखो सूख रहे हैं ये तो। और ये रखे लाइन से वहां तक, सबसे अच्छा ये लग रहा है और फिर वो लग रहा है सबसे अच्छा। यहाँ से तोड़ते हैं अब एक संतरा और फिर चेक करते हैं इसमें कैसा क्या है, इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है टेस्ट। ये वाला तोड़ते हैं, अबे तोड़ लिया, भाई एक नंबर भाई, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल ताजा। इसका रह गया भाई थोड़ा सा ये देखो, चिपका दूं क्या फेविक्विक से, क्विक फेविक्विक। सो गाइस इसे अब छील के देखते हैं, सो गाइस अब इसका टेस्ट लेके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है रियल में। बहुत बोलते नहीं बन रहा भाई, बहुत ज्यादा खट्टा है बहुत, तो ज्यादा ही खट्टा है भाई, इतना छोटा है और इतना ज्यादा खट्टा, ऐसा लग रहा है नींबू का है बट नींबू नहीं है, ये ऑरेंज ही है, बहुत ज्यादा खट्टा है। खाली लगता तो है 100 पीस के लिए, ये बस इसे 100 ही रहने दो। सो गाइस ये देखो यार सनसेट कितना प्यारा लग रहा है यार, यही तो बहुत अच्छा लगता है इस छत से,
ये देखो धीरे धीरे गायब हो रहा है सूरज, जूम करता हूँ और अच्छा दिखेगा। बस 2 सेकंड बाद ये सूरज पूरा गायब, बट अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ये। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार वहाँ मेन सिटी से आकर यहाँ पर रहने में, थोड़ा यहाँ पर हवा अच्छी चलती है और ऐसा लगता है कि मतलब गांव में आ गए, गांव एरिया साइड, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस अब चलते हैं नीचे और फिर खाते हैं थोड़ा सा खाना और फिर चलेंगे हम डायरेक्ट घर और कर देंगे व्लॉग को एंड। सो गाइस सबसे पहले करते हैं अब अपने मोबाइल को चार्ज। अच्छा हुआ मैं चार्जर लेके आ गया था भाई यहाँ पे। सो गाइस डेकोरेशन हो गए, तैयार हो चुका है, ये देखो। ये है गाइस फाइनल लुक इसका। सो गाइस आ चुके हैं अब अपने मामू के यहाँ, अब चलते हैं घर के अंदर। ये है जावा। अब चलते हैं घर के अंदर। तो गाइस अब आ चुका हूं मैं अपने मामू के छत पर और अब देखते हैं यहां पर क्या क्या है। ये देखो गाइस यहां पर भी अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। ये देखो धनिया भी है इसमें और ये नींबू। ये देखो यार इतने छोटे पौधे हैं और इसमें फल लगे हुए हैं, नींबू है ये शायद। और ये देखो गाइस आम का पेड़ छत में, और ये है रोज के, इसमें फूल नहीं आ रहे हैं अभी। ये है गाइस सेम्भी, हमारे यहाँ सेम्भी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। ये देखो इसमें लगे हुए हैं अभी, ये देखो देख के समझ जाओगे आप किस चीज के हैं। तो गाइस ये देखो यहाँ पर मामू लोगों ने लगा के रखे हैं बहुत सारे पेड़। ये देखो ये है अपना प्याज, वो हाँ प्याज का पेड़ है, ये प्याज या लहसुन पता नहीं, देखना पड़ेगा। और इसमें धनिया है इतने में पूरे में और साग है थोड़ा थोड़ा, ये दिख रहा है साग बोले तो उसका, चने का पेड़ वो है। और ये देखो भाई सबसे ज़्यादा बढ़िया टमाटर, जो कि 200-300 रुपये किलो में थे, 100 पता नहीं अब कितने में है। ये देखो टमाटर बहुत सारे लगे हुए हैं इस पूरे में, इसमें भले ही कम दिख रहे हैं मगर रियल में ज़्यादा दिख रहे हैं उसमें, वो लगे हैं पूरे में भरे पड़े हैं। ये देखो ग्रीन है ना इसीलिए। और यहाँ पर भी है, ये किसी चीज़ का है। और ये जो अभी छत से दिखाया था मैंने उसका है, वो यहाँ से गए पूरे पेड़ और फिर उस साइड छत में बहुत अच्छे से कवर है। ये देखो इस टमाटर,
इसमें ये एक वाइट वाइट कलर की राख डाली है ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे। ये देखो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश टमाटर, इसे लाल होना बाकी है बस। तो गाइस आज के ब्लॉग को आप करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं किसी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप तुम लोग नए हो तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब से जरूर कर देना। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।